तो हाल ही उन्होंने कैसे हो कि सब बढ़िया होगा, ठीक होगा। फाइनली गाइस आ चुके हैं संदीप रेड्डी बांगा जी की एनिमल के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो आज डे नंबर 2 चल रहा है। वैसे मैंने फुल ऑफ डिटेल्स एपिसोड दूसरे दिन की एडवांस बुकिंग का डाल दिया है। जिन्होंने नहीं देखा, यस थोड़ी सी मेहनत करो, चैनल ओपन करो, आपको एपिसोड मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले डे नंबर 1 की फाइनल अर्ली एस्टीमेट वर्ल्ड वाइड की। गाइस शॉकिंग रह जाएंगे मेरे भाई, अब ये क्या है भाई, ये क्या है। यस, जो मैंने आपको कल शाम को नंबर्स बताए थे भाई, उससे ज़्यादा जा चुके हैं, ओवरटेक काफ़ी आगे जा चुका है भाई वो नंबर्स। एंड यस मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा भाई कि क्या हो गया भाई ओवरसीज में, स्पेशली ऑफ ओवरसीज में इसने कई सारे रिकॉर्ड्स भाई ध्वस्त कर दिए, एंड स्पेशली ऑफ उससे भी नॉर्थ अमेरिका में जो नंबर्स है गाइस वो निकल के सामने आए हैं। तो गाइस नंबर्स बताऊं, कल शाम की ओकमेंसी बताऊं, उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब मेरे भाई, इजी अपडेट्स वीडियोज के लिए। तो गाइस सबसे पहले देख लिया डोमेस्टिक में क्या क्या हुआ कल शाम को। तो गाइस सबसे पहले मुंबई में नाइट की ओकमेंसी 81% गई, इससे पहले यही सुबह की 40, आफ्टरनून की 45, इवनिंग की यही 55 के आसपास, जो कि नाइट में हमें बड़ा उछाल देखने को मिला। नेक्स्ट गई दिल्ली एनसीआर में 95% ऑक्युपेंसी गई है नाइट की, दिल्ली एनसीआर में 95%, जो कि हम आज की बात कर रहे थे कि भाई 95 के आसपास जाएगी। व्हाट, ये फ्राइडे को ही हो गया मेरे भाई, ये सीन फ्राइडे को ही हो गया। बट कल मैच भी था मेरे भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, बट इतना ज्यादा इफेक्ट है गाइस वो नहीं पड़ा, 95% ऑक्युपेंसी। इसका मतलब मैंने कल शाम वाले एपिसोड में बताया था कि भाई दिल्ली एनसीआर में आपको टिकट्स मिलना आज के दिन भी काफी डिफिकल्ट है, जो गाइस ऐसा बिल्कुल दिखा भी। कल शाम के शोज मैक्सिमम फुल गए, वो भी कितना 1310 शोज दे कल। नेक्स्ट गाइस पुणे में 87 गई, यहां पे भी फुल गया। नेक्स्ट गाइस बेंगलोर में 72 गई, हैदराबाद में 93 गई। ओ भाई हैदराबाद में तो रैम्पेज मोड है, सुनामी है वो तो अपनी ही दुनिया में भाई। एंड नेक्स्ट गाइस इलाहाबाद में 84 गई, ये तो मेरे को बिलीव नहीं होता यार, 84 कैसे है, ये कोई मिस्टेक हो गया या फिर कोई ग्लिच होगा भाई, 84 के आसपास तो भाई ऑक्युपेंसी स्पेशली आप इलाहाबाद में जा ही नहीं सकती। वट ऐसा हुआ है मेरे भाई, ऐसा हुआ है मेरे भाई कल इलाहाबाद के अंदर भी, और कम में काफ़ी कम देखते हैं यार, इलाहाबाद में तो ऑक्युपेंसी आती नहीं है भाई, काफ़ी कम, पहले 2-3 दिन में फिर भी कई सारे मूवीज ही निकाल पाती हैं। बट 80 से ज़्यादा गाइस ये तो नामुमकिन जैसा है। नेक्स्ट गाइस चेन्नई में 73 गई, सूरत में 70 एंड जयपुर में 93, काफ़ी बढ़िया। एंड नेक्स्ट गाइस ठीक है, बाकी भी गाइस लखनऊ में थोड़ा मामला ठंडा ही गया। तो ओवरऑल देखो गाइस मैंने कितना नंबर्स बताया था शाम को, 51 करोड़ हिंदी नेट, जो गाइस अभी फाइनल अर्ली एस्टिमेट भी 51 करोड़ ही आ रहा है हिंदी नेट, जो कि गाइस मैंने तेलुगु का बताया था 10 करोड़ के इर्द गिर्द, तो फिलहाल गाइस वो उतना ही नंबर है, ये हो गया 61 करोड़ नेट, जो कि गाइस मैंने 60 लाख बताया था बाकी 3 लैंग्वेज का, कन्नडा मलयालम एंड तमिल, जो गाइस ये 50 लाख के आसपास ही अभी अर्ली एस्टिमेट है वो निकल के सामने आ रहा है। तो गाइस ये होता है 61.50 करोड़ इंडिया नेट, जो गाइस 61.50 करोड़ इंडिया नेट फाइनल डे नंबर 1 ये अर्ली एस्टिमेट है भाई, 61 करोड़ मेरे भाई, पठान का जो पहले दिन का रिकॉर्ड था गाइस ओवरटेक कर दिया, और ये बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली पिक्चर बन चुकी है भाई डोमेस्टिक में, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स हैज बीन ध्वस्त मेरे भाई। और अगर मैं बात करूँ गाइस ओवरसीज की, देखो भाई सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में $2.50 मिलियन की रिपोर्ट आई है भाई, $2.50 मिलियन US डॉलर मेरे भाई, क्या बात है, इंक्लूडिंग टू प्रीमियर शोज। इंडियन रुपीस में देखो तो ऑलमोस्ट 21 करोड़ से थोड़ा सा कम होता है, और ये 23 की हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली पिक्चर बन चुकी है नॉर्थ अमेरिका की, ऑल ऑफ रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। हाँ यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इसके पास ये है कि भाई इसमें इंक्लूडिंग टू प्रीमियर शोज भी थे, जैसे कि जवान के पास नहीं थे, पठान के पास भी नहीं थे, इवन टाइगर 3 को छोड़ दूँ तो भाई किसी के पास नहीं थे, बट चलो टाइगर 3 के पास थे, उसको भी इसने ध्वस्त कर दिया भाई 21 करोड़ भाई, 21 करोड़ नंबर्स कम नहीं होता है, सुनने में आसान लगता है बट निकालने में उतना ही मुश्किल लगता है। कई सारे पिक्चर भाई 20-21 करोड़ ओवरसीज में लाइफ टाइम कलेक्शन रहता है, ये तो ओपनिंग है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की, जो कि मैं टोटल देखूंगा इस तो 42 करोड़ प्लस ही दिख रहा है ओवरसीज में, 42-45 करोड़ भी आ सकता है भाई, 42-45 उससे ज़्यादा भी जा सकता है भाई 1-2 करोड़, जिस तरह भाई अभी अर्ली एस्टिमेट है वो निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि 72 करोड़ इंडिया ग्रॉस, 72 और 45 मतलब कि 120 पकड़ो आप, 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड की ओपनिंग दिख रही है, 120 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग दिख रही है मेरे भाई एनिमल की।
और जवान के बाद भाई सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाले पिक्चर बन चुकी है भाई नाउ दिस टाइम एनिमल। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, पठान का रिकॉर्ड ओवरटेक कर दिया और यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये थर्ड पिक्चर बन चुकी है बॉलीवुड की। जवान, पठान, नाउ अब एनिमल। गाइस क्या बोलती है भाई पब्लिक, कहीं ट्रस्ट होता है भाई कि ये रेटेड पिक्चर हो सकती है और एक 100 करोड़ से ज्यादा भाई ओपनिंग, अनबिलीवेबल मेरे भाई, ये नहीं सोचा था भाई किसी ने। हाँ इसमें और भी बात है गाइस, देखो जवान डायरेक्ट की थी किसने, एटली, एक साउथ के यहाँ पे डायरेक्टर थे एंड ये पिक्चर भी गाइस किसने डायरेक्ट की है, संदीप रेड्डी वांगा जी ने, वो भी एक साउथ के डायरेक्टर हैं भाई, मानना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि भाई मौला रेड्डी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे लोग काफ़ी स्मार्ट हैं भाई एंड टैलेंटेड भी है एंड उनके साथ काम करो एंड बाकी ऐसा बिजनेस ऐसा करो बिजनेस एंड नाउ भाई ऐसा दिखा भी है SRK जवान को कहाँ ले गया वो बंदा भाई एंड नाउ दिस टाइम एक और डायरेक्टर आया साउथ का जो बॉलीवुड में एंड वो भी यार क्या ओपनिंग दिलाई है यार बंदे ने, क्या ओपनिंग दिलाई है भाई, दम होना चाहिए। मैंने क्या बताया था उस टाइम पे, स्टार तो अपना काम करता है, डायरेक्टर को निचोड़ना आना चाहिए, जो कि ऐसा बिल्कुल किया है यहाँ पे भाई संदीप रेड्डी वांगा जी ने, उनसे एक्टिंग करवाई है। वो एक डायलॉग्स जो पापा वाला वो कितना ज़्यादा चला था मेरे भाई, कितना ज़्यादा चला था, स्पेशली आप बॉबी देओल से भी क्या एक्टिंग करवाई है बंदे। हाँ थोड़ी डायलॉग्स डिलीवरी थोड़ी कम थी बट फिजिकली काफ़ी बढ़िया काम करवाया है यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा जी ने। तो गाइस ये रहा भाई टोटल डे नंबर 1 की फाइनल, अब देखते हैं मेकर्स की ओर से भाई क्या पोस्टर निकल के सामने आता है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है भाई कितना पोस्टर आ सकता है, बताओ भाई नीचे कमेंट सेक्शन में।